बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वा मुहम्मद अमान कयूम, तुसी देखदे पए हो गंदारा हिंकोटी। सबसे पहले आज दी खबरां दा खुलासा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है कि मुल्क मुश्किल सूरत हाल से लंघदा पिया है, छह महीने बेहतरी आसी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार ने किया है कि सुप्रीम कोर्ट नू कानून ते इदारियां दे फैसलियां दे जायजे का इख्तियार है। अमरीका ने आफिया सदीकी के मामले ते गौर करने की यकीन दहानी करा दी थी। रबीउल अव्वल दा चंद देखने वास्ते मरकजी रूए ते इलाल कमेटी दा इजलास अज कराची चोसी। हिनको मतला ऐप दी कामयाब लॉन्चिंग दे बाद बच्चियां वास्ते रंगा रंग हिनको ऐप दी तैयारी दा आगाज कर दिता गया है। पहले वनडे मैच न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान नू 47 रनजा नाल हरा दिता। हुण खबरां दी तफसील। वज़ीरे आज़म इमरान खान ने किया वे कि मुल्क मुश्किल सूरत हाल चो लंघदा पिया वे, इंशाल्लाह छह महीने वाजिया बेहतरी नजर आसी। अरकाने असेंबली नाल गलकत करते हुए वज़ीरे आज़म इमरान खान ने वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने का ऐलान करते हुए किया कि वज़रा अपनी कारकर्दगी के बारे जवाब दे। हुन पीटीआई हुकूमत वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने की रवायत की बुनियाद रख चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने किया है कि सुप्रीम कोर्ट नू कानून ते रियासती इदारियां दे फैसलियां दे जायजे दा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा मेंबरान ते मुश्तमिल वफद नाल चीफ जस्टिस ने मुलाकात की थी। डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफद की सरबराही मेजर आसिम मलक ने की थी। चीफ जस्टिस ने शुरका नू मुल्क की इंसाफ की फरहमी वास्ते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स ते जिले अदालतों की कारकर्दगी अदालती निजाम ते आईनी इख्तियारात से मुतालिक ब्रीफिंग दी थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि अमरीकी मुआवन वजीर खारजा एलिस विल्स ने डॉक्टर आफिया सदीकी के हवाले नाल पाकिस्तानी दरखास्त ते गौर करने की यकीन दहानी करा दी थी। दफ्तर खारजा से जारी होने वाले एक बयान इच किया गया कि अमरीकी नायब वजीर खारजा एलिस विल्स दे नाल मुलाकात भी डॉक्टर आफिया सदीकी दे मामले ते गलकत की गई ते अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान की दरखास्त ते गौर करने की यकीन दहानी कराई है। रबीउल अव्वल दा चंद देखने वास्ते मरकजी रूए ते इलाल कमेटी का इजलास अज चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत कराची चोसी, जबकि जोनल कमेटियां दे इजलास भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरां मुनक्किद हो सन। चंद की रूयत के मुताबिक शहादतां की बुनियाद ते मुफ्ती मुनीबुर रहमान रबीउल अव्वल दा चंद नजर आने या न आने का ऐलान कर सन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने किया वे कि सूबे दे तेल और गैस दे मुतालिक जितने भी मसाइल हों उन्होंने मरकज हल करने वास्ते संजीदा वे ते वफाकी वजीर गुलाम सरवर की सूबे च आमद इसी गल की गमाज है कि असी मिल के सूबे दे मसाइल नू हल करते हुए इस नू तरक्की दी राह ते पासना। इन ख्यालात दा इजहार उन्होंने वफाकी वजीर गुलाम सरवर नाल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। हिनको मतला ऐप की कामयाब लॉन्चिंग से बाद बच्चियां वास्ते रंगा रंग हिनको ऐप की तैयारी शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर हिनको मतला की कामयाब रुनुमाई ते कौमी सतह ते इस दी पजीराई दे बाद हुण गंदारा हिनको बोर्ड दे आईटी और कंप्यूटर साइंस सेक्शन दे तहत बच्चों वास्ते रंगा रंग हिनको ऐप की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस ऐप बच्चों हिनको पढ़ने लिखने के अलावा हिनको नजमा कहानियां ते कार्टून भी शामिल किए जा सकते। न्यूजीलैंड ने पहले एक रोजा मैच पाकिस्तान को 47 रनों से हरा दिया। शेख जायद स्टेडियम अबूजेबी खेले गए पहले वनडे मैच न्यूजीलैंड ने 267 रनों का हदफ दिता, ताहम पाकिस्तानी टीम 48वें ओवर 219 रन बढ़ा के आउट हो गई ते ग्रीन शर्ट्स को 47 रनों नाल हरा दिता गया। New Zealand are happy. Babar Azam looked a little surprised. Are they saying out? Yeah, the decision is out. The decision is out. Well, you heard it from Nigel Long. Is it? He's jumped all over it. Yeah! Oh, bowl him. Now it's all over. Ferguson has done it.
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਿਲਸੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।